दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही दिखा दे रहा हूँ कि मैं माउस के बगैर कैसे काम करता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा पॉइंटर है, ये पॉइंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से ही पॉइंटर हिलाऊंगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये कीबोर्ड से मेरा पॉइंटर हिला है और यहीं से अगर मैं चाहूँ तो राइट क्लिक भी कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरा कोई किसी प्रकार का इसमें माउस वगैरह कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, बिल्कुल प्योर है। और ये ट्रिक कैसे करनी है इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मुझे मालूम है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ, आपका 101% खुश हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक तो मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा बाई चांस आपका माउस खराब हो जाता है या आपको कुछ ऐसी कंडीशन पड़ जाती है कि माउस काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने कीबोर्ड को भी माउस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे मालूम है दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होगी, तो इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे आपको लैपटॉप पर ले चलता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं आपका दिल खोल कर स्वागत करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो सीधे आपको लैपटॉप पर ले चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो दोस्तों लैपटॉप पर मैं आ चुका हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। देखिए सबसे पहले जो क्या करना है, आपको कंट्रोल पैनल पर जाना है। जैसे भी आप कंट्रोल पैनल में जाना चाहेंगे तो आप कंट्रोल पैनल में चले जाइए, आप सेटिंग से जाना चाहते हैं जहाँ से भी जाना चाहें कंट्रोल पैनल आप खोल लीजिए। कंट्रोल पैनल में दोस्तों एक सेटिंग होती है, इस सेटिंग्स को पहुँचते हैं ईज ऑफ एक्सिस सेंटर। जी हाँ दोस्तों, ये आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ पर व्यू बाई पे यहाँ पर लार्ज आयकन कर लेना, तो लार्ज आयकन से आप जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर ईज ऑफ एक्सिस सेंसर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप ईज ऑफ एक्सिस सेंटर खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ आवाज आएगी, उस छोड़ देना उसको। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक द माउस इजियर टू यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर मेक द माउस इजियर टू यूज देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्रोल द माउस विद कीबोर्ड, यहाँ पर आपको टर्न ऑन माउस कीज देखने को मिल जाएगा। इसको सावधानी से आपको टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों सेटअप माउस कीज है, इसको खोल लेना है और यहाँ पर आप इसको फुल कर दीजिएगा, हाई हाई हाई। ध्यान रहे आपको टर्न ऑन माउस कीज इसको ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ से ये सारी चीज़ें आप जो हैं ऑन कर लीजिएगा, कोई ऑफ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं उनको मत छीड़िएगा। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से कीजिएगा अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद ओके करने के बाद और यहाँ पर कुछ भी मत करिएगा, यहाँ से फिर डायरेक्ट कर दीजिएगा ओके। उसके बाद एल्बोज कुछ बोलेगी, उसके बाद यहाँ से काट दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो कीबोर्ड होता है, लैपटॉप का कीबोर्ड है, न्यूमेरिकल कीबोर्ड अलग से होता है, या अगर आपके पास एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा हुआ पीसी में, उसका नमलॉक यानी नमलॉक होता है नंबर वाला, उसको ऑन कर लेना। उसके बाद डायरेक्ट अपना 6 दबाओगे तो राइट साइड में, 4 दबाओगे तो लेफ्ट साइड में, या अप डाउन वाले जो एरो की होती हैं आप उनको ट्राई करोगे तो 2 दबाओगे तो नीचे साइड में। अगर आपको कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, मान लीजिए मुझे फोल्डर सिलेक्ट करना है, तो बगैर माउस के सिलेक्ट करने के लिए पहले 8 दबा के मैं उस चीज़ को ऊपर ले जाऊंगा और उसके बाद 5 दबाऊंगा तो यहाँ पर डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। और बजे की बात दोस्तों एक और है इसमें, अगर आप डायरेक्ट राइट क्लिक करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करने का भी एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो है, मैं यहाँ से एस्केप मार के एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करने के लिए प्लस दबाना पड़ेगा, और जैसे ही आप प्लस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है राइट क्लिक माना जाएगा। और उसके बाद नीचे से ऑप्शन लाइए, रिफ्रेश मार लीजिए। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखा दे रहा हूँ, मैं मतलब जो है अभी क्या देख रहा हूँ मेरे सामने जो है, मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपना जो 6 दबा रहा हूँ तो इस तरह पे माउस जा रहा है, इसके बाद नीचे जा रहा है, ऐसे ही 4 दबा रहा हूँ तो ऐसे ऊपर जा रहा है, 8 दबा रहा हूँ वैसे ऊपर जा रहा है। अगर कोई मुझे फोल्डर सेलेक्ट करना है तो उसके बाद आराम से पॉइंटर उस पर ले जाओ, कोई भी पॉइंटर ले जाओ कहीं भी, और उसके बाद डायरेक्टली उस पर सेलेक्ट कीजिए और आराम से उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, जो कुछ भी चाहें आप उस पर कर सकते हैं पॉइंटर। हाँ थोड़ा शुरुआत में आपको प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन आप अपने दोस्तों को इस तरीके से आराम से चौका तो ज़रूर ही सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वही चीज़ किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
दोस्तों इसे ऑन करने के बाद आपका नंबर जो है काम करना बंद कर देंगे। तो अगर आप इसको फंक्शंस को बंद करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ऑल्ट शिफ्ट और नम, इसे दबाते ही आपका जो ये फंक्शन बंद हो जाता है। और जब ये दोबारा इसे दबाएंगे तो वापस से ये फंक्शन आपका ऑन हो जाएगा और आप फिर से दोबारा से आप अपने कीबोर्ड को माउस की तरह यूज कर पाए। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक्स की, और आप प्यारे दोस्तों प्लीज कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना जरूर, मतलब ये वीडियो आपको अपने दोस्तों को दिखाते वक्त कैसा महसूस हुआ। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो अपनी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहना। नमस्कार, जय हिंद।